कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लॉकडाउन होने से लोगों के आर्थिक हालात काफी बिगड़े थे। रेडीमेड की दुकान पर काम करने वाले नौकर पर भी कर्ज हो गया था, जिसे उतारने के लिए उसने अपने ही मालिक को अपने साथियों की मदद से लूट लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 लाख रुपए जब्त कर दिए हैं, जबकि लूट के 10 लाख रुपए के साथ एक आरोपी फरार है। रेडीमेड कारोबारी की दुकान पर काम करने वाले नौकर ने अपने ऊपर हुए कर्ज को चुकाने के लिए अपने ही मालिक को निशाना बनाया। अपने 2 साथियों के साथ व्यापारी को रात को रास्ते में रोककर मालिक की गाड़ी से 12 लाख नकदी से भरा बैग चोरी कर लिया था, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से कारोबारी के नौकर व उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 लाख रुपए जब्त हुए हैं। 10 लाख रुपए लेकर एक आरोपी फरार है। एमजी रोड पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी रेडीमेड कारोबारी महेश तोशनीवाल का नौकर नितिन है। आरोपी नितिन ने अपने मालिक महेश तोशनीवाल की 2 हफ्ते से रेकी कर चोरी करने की योजना बनाई थी। ये घटना लॉकडाउन से पहले की है, जिसमें कि काफ़ी संवेदनशील हुआ दल, जैसा कि हमारा डॉलर मार्केट और काफ़ी व्यस्तम इलाका है। व्यापारी जब अपनी दुकान से निकले थे, उनके साथ एक कैश था 12 लाख रुपए करीबन का, और उनके साथ घटना की गई थी। तत्काल हमारे द्वारा सीसी फुटेज और प्राप्त किए गए मौके से, जिसमें कि कुछ हमको हिंट मिली थी। हिंट के बाद में कोई और लीड नहीं मिल पा रही थी। थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह नागर और उनकी टीम इसमें लगातार उस दिनांक से ही इसके पीछे थे, और कहीं ना कहीं विश्वास था कि ये एक जो ब्लाइंड लूट और कम चोरी टाइप की बात थी, क्योंकि उसको बातों में उलझाकर उसे डिग्री से निकाला था। इस एक टेक्निकल भी लग रहा था कि लोगों को पता है कि इसकी डिग्री में पैसा है, जैसा कि फुटेज से हमको लग रहा। और ये सब कार्रवाई करने के बाद तो सफलता मिली है थाना एमजी रोड, जिसमें कि ये राउंड अप कर पाए हैं। राहुल है, उसके साथी हैं, जो कि दुकान जहां से इसने पैसे लिए थे उसी के मालिक में काम करता है लड़का, और उसकी सूचना पर से मेन आरोपियों ने वारदात करी। उनने उसको बताया कि व्यापारी यहां से निकल चुका है, और उसके निकलते ही आगे उनने उसको रोका और बातों में उलझाया एक व्यक्ति ने उसके साथ, और दूसरे ने उसकी डिग्गी में से 12 लाख करीबन का अमाउंट निकाल लिया। और ये घटना के बाद में फिर हम लोगों ने उनको राउंड अप किया है, उसके बाद उनसे पूछताछ की है। कुछ आरोपी इसमें अभी भी हमको राउंड अप करने हैं, जो कि फरार हैं, हमारे रेडार पे हैं, जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे।